तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुहिन और आप सभी को मेरा YouTube चैनल टेक्निकल तुहिन का इस वीडियो पे स्वागत है। एक्चुअली ये जो गाड़ी आप देख रहे हो, ये गाड़ी ओवरहीटिंग होने के बाद मेरे पास आया था और मैं अभी इसका कंप्रेशन टेस्ट जो है ये करके दिखाऊंगा। एक्चुअली कंप्रेशन टेस्ट करने पे आपका ये जो ओवरहीटिंग का इशूज़ है, इसमें एक्चुअली कूलेंट गिर जाने से इसका जो हेड गैस्केट है, हेड गैस्केट काट जाने का चांसेस रहता है। और ये कंप्रेशन टेस्ट करने से आपका ये जो हेड गैस्केट है, ये हेड गैस्केट काटा है या फिर नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, इसका जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग को ओपन करना है। तो यही प्रोसेस जारी है। अभी मैंने अभी इसका जो इग्निशन कॉयल है, इग्निशन कॉयल को ओपन किया और अभी स्पार्क प्लग इसका निकालूंगा। तो यहाँ पे चारों स्पार्क प्लग को निकालना है अभी और अभी देखना है इसमें। स्पार्क प्लग देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिलेंडर में मिसफायर हो रहा था या फिर कौन सा सिलेंडर आपका गैस्केट काट चुका है। प्लग देख के भी आप बता सकते हो प्लग का जो कंडीशन रहता है, ये कंडीशन देख के। तो ये गाड़ी भी मिसिंग चल रहा था, इसमें दिखा रहा था 3 नंबर सिलेंडर मिसिंग है। जो मेरा स्कैनर है, स्कैनर में दिखा रहा था। तो फिलहाल इसका जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग को देखते हैं एक एक करके। तो अभी मैं इसका जो स्पार्क प्लग है, 1 नंबर सिलेंडर का प्लग को ओपन कर रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा ऑयल भी आया है, लेकिन इसका जो ऑयल है, ये जो साइड में ऑयल दिख रहा है आपको, ये ऑयल एक्चुअली ओवरहीट होने की वजह से जो इसका गैस्केट, ओह गॉड, यहाँ पे देखिए ये जो कूलेंट आपको दिख रहा है, ये देखिए 3 नंबर सिलेंडर पे कूलेंट आ गया। तो एक्चुअली टैपेट कवर जो गैस्केट है, गैस्केट ओवरहीट की वजह से काट गया था और इसके कारण से जो स्पार्क प्लग के साइड में जो ऑयल है, ऑयल आ चुका है। तो अभी कंप्रेशन गेज में लगाऊंगा, इसमें फिट करूंगा और फिट करके देखूंगा कितना इसका जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन दिखाता है। अभी मैं एक बार कोशिश करूंगा इसका जो सिलेंडर के अंदर का कंडीशन दिखाने के लिए। और यहाँ पे देखिए क्रैंक करने से आपका यहाँ से कूलेंट निकल रहा है, कूलेंट, देखिए कूलेंट आ गया 3 नंबर सिलेंडर पे, कूलेंट निकल रहा है। तो इसका एकदम मैं निश्चित हूँ कि इसका जो हेड गैस्केट है, हेड गैस्केट काट चुका है, गैस्केट इसका काट चुका है, इसके कारण इसमें कूलेंट आ रहा है। तो 1 नंबर पे आप मैं कंप्रेशन टेस्ट करूँगा। तो कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए आपको जो करना है, पहले आपको जो फ्यूल पंप का मोटर है इसको ऑफ करना है। मतलब यह जो मैंने पहले से ही कर दिया, फ्यूल पंप का जो फ्यूज़ होता है ये मैं खोल लिया और इग्निशन कॉइल का भी मैं फ्यूज़ खोल लिया। अभी क्या करना है, आपको फुल एक्सेलरेट करना है और एक्सेलरेट करके
इसको क्रैंक करना है 7 से 8 बार। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर पे कितना दिखा रहा है, 10.5 के कुछ आसपास दिखा रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको रिलीज़ कर दिया और अभी सेकंड जो है मतलब 2 नंबर पे देखूँगा। तो एक नंबर पे जब वो दिखाया 10.5, ये जो नॉर्मल होता है पेट्रोल गाड़ी का उसमें रहता है 12 के कुछ आसपास, 12 से 14 तक आ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम है। तो 2 नंबर पे अभी देखूँगा, 2 नंबर पे देखिए कितना दिखाता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे दिखा रहा है कि 9 के कुछ आसपास, ठीक से देख लेते हैं, नहीं 9 नहीं 8 के आसपास दिख रहा है, 8। 2 नंबर पे देखिए 8 आ रहा है, जो रिकमेंडेड जो रहता है उससे बहुत ही ज़्यादा कम है, जो लगभग 4 कम है। 12 रहता है तो नॉर्मल सही है, लेकिन यहाँ पे 8 दिखा रहा है। अभी 3 नंबर पे देखते हैं कितना दिखाता है, 10। 3 नंबर पे देखिए यहाँ पे 9 के कुछ आसपास दिखा रहा है। तो लगभग 3 और 2 में सेम दिखा रहा है, ठीक है। अभी 4 नंबर दिखना है मुझे, तो 4 नंबर दिखने के लिए आपको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ये 2 और 3 नंबर पे जो है लगभग सेम है, और 4 नंबर पे देखिए 12 के कुछ आसपास 11 point something आ गया। तो ये देख के आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि 2 और 3 के बीच इसका जो सिलेंडर हेड गैस्केट है, हेड गैस्केट काट चुका है। तो इससे आपको कन्फर्म मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो हेड गैस्केट है, हेड गैस्केट काट चुका है, और इसका इंजन करना पड़ेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।